परवल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है टमाटर और परवल। तो परवल का ऊपर का जो छिलका है उसे मैंने चाकू से निकाल दिया है। अब हम इसे डायरेक्ट गैस पे पकाएंगे। ये एक बहुत ही अनोखी चटनी की रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इसे आप पूरी, पराठे, खिचड़ी, चावल दाल या फिर रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा छेद कर देंगे परवल में, नहीं तो हमारा जो परवल है जब ये फूलेगा हल्का सा तो ये फट जाता है। तो यहाँ पे आप जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नाइफ से छेद कर दीजिए, तो ये पकने के बाद भी फूटेगा नहीं। और इसी तरीके से बार बार आपको यहाँ पे पलटते रहना है परवल को और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप पलट लीजिए इसको, ये देखिए। और इसे एक बार और हम पलटेंगे, बार बार पलट पलट के इसे हमें रोस्ट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो परवल है वो अब पकना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरीके से आपको पूरे परवल पे ये जो आपको ब्लैक का दाग दिख रहा है, उस तरीके से जब पूरे परवल पे हो जाएगा तब जो हमारा परवल है वो अच्छे से पक जाएगा, और उसके बाद ही हमें इसे निकालना है। तो अभी हम थोड़ा सा इसे और पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो परवल है वो अब कुक हो चुका है। तो इसी तरीके से बाकी परवल को भी आपको यहाँ पर पका लेना है। तो अब हम इसे हटा देते हैं, और हटाने के बाद हम इसे डाल देते हैं पानी में, ताकि जो इसका छिलका है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। और जब हम इसे हटाएंगे तो ये अच्छे से हट जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे परवल और टमाटर को मैंने पका लिया है, और सभी को मैंने पानी में डाल दिया है ताकि इसका जो छिलका है वो सॉफ्ट हो जाए। जब तक इसका छिलका सॉफ्ट होता है तब तक यहाँ पर तवे पे हम फ्राई कर लेंगे हरी मिर्च और लहसुन। तो यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च ली है मैंने और 5 से 6 ही लहसुन लिया है। तो इसे सभी पे हमें रोस्ट कर लेना है। इससे जो हमारी चटनी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप इसे परवल या टमाटर की चटनी बोल सकते हैं, या फिर चोखा भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोला जाता है। बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है ये, हमारे यहाँ बहुत बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अनोखा टेस्ट आता है इसका। नॉर्मल जो चटनियाँ होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है, लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। तो तवे पे इसे लगातार चलाते हुए हम कर लेंगे रोस्ट। और हमारा जो टमाटर है वो अब ठंडा भी हो चुका है, और पानी में रहने की वजह से इसका जो छिलका है ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल रहा है। तो इन सभी को हमें क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद मिक्सी के जार में डाल करके हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने टमाटर को बिल्कुल क्लीन कर लिया है, और अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। जब तक कि हमारा लहसुन और हरी मिर्च पकता है तब तक हम ये काम भी एक साइड में कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे परवल का भी ऊपर का जो छिलका है उसे इस तरीके से क्लीन कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे क्लीन करना है ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि तवा हमारा लोहे का है और ये बहुत ही हीट रहता है काफ़ी देर तक। तो इसी हीट तवा पे हमें इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है कुक हो जाएगी, अपने आप कुक हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी कुक हो चुकी है। ये देखिए, ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, इसलिए गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और हीट तवे पे इसे थोड़ी थोड़ी देर पे मैं चलाती रहूँगी, तब तक इसे हम क्लीन कर लेते हैं। और इस तरीके से आपको परवल को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, ताकि जब हम इसकी चटनी पीसें तो इसका जो चटनी का रंग है वो काला नहीं पड़े, और ऊपर का जो गंदा है वो भी निकल जाए। तो इस तरीके से क्लीन कर लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए, परवल को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब हम इसे डालेंगे मिक्सी के जार में। और हमारा लहसुन और हरी मिर्च भी यहाँ पे पक चुका है, तो इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। ये देखिए, तवा हीट होने की वजह से ये अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, सारे परवल और टमाटर को मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो अब इसी मिक्सी के जार में हम डाल देते हैं पकाए हुए लहसुन और हरी मिर्च को। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे जो कि नॉर्मली चटनी में ऐड किया जाता है, क्योंकि ये एक चटनी की रेसिपी ही है, इसलिए इसमें भी वही सारी चीज़ें पड़ेगी जो आप किसी भी चटनी में डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डाल देते हैं सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो ही आप चटनी में डालिए, कोई और तेल आप नहीं डालिए। तो अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो यहाँ पे तेल आप स्किप कर दीजिए, लेकिन कोई और दूसरा तेल आप इस चटनी में नहीं डालिए, नहीं तो आपकी जो चटनी का टेस्ट है वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक।
तो नमक यहाँ पे आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर इसलिए क्योंकि इसका जो टेस्ट है, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हरी मिर्च तो हमने इस्तेमाल की है, लेकिन थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे भी आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा थोड़ा सा हम पानी देंगे, बिल्कुल हल्का सा। तो बिल्कुल हल्का पानी आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि टमाटर और परवल दोनों में ही हल्का हल्का सा मॉइस्चर जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे आपको ग्राइंड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो चटनी है वो ढीला हो जाएगा, तो इसलिए हल्का सा पानी हम डाल रहे हैं ताकि हमको ग्राइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए बिल्कुल लिटिल मात्रा में आपको यहाँ पे पानी डालनी है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो थिकनेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नॉर्मली चटनी का रहता है। इसलिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल कम मात्रा में पानी दिया है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसमें टमाटर के अलावा मैंने दूसरा कोई भी खट्टा चीज इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कि लेमन का रस या फिर इमली या फिर अचार वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ये जो चटनी है वो टमाटर की वजह से ही इतनी ज़्यादा खट्टी हो जाती है कि इसे और खट्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, तो खट्टी खट्टी पसंद करते हैं चटनी, तीखी चटपटी खट्टी, तो फिर आप इसमें हल्का सा लेमन का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें लेमन का जूस इस्तेमाल करने की या फिर इमली का इस्तेमाल करने की। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी चटनी है वो बन करके यहाँ पे रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।